ज्यादा क्या फेल हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस मैम। ठीक है, हाउ इज योर लास्ट क्विज? अच्छा हो गया मैम। मैम अच्छा हो गया। मजा आया? इजी जी मैम। मैम शुक्रिया, क्विज आसान था, लग रहा है फाइनल भी ऐसे ही हो जाए। बेटा फाइनल नहीं, ऐसे आने वाला फाइनल में मेहनत लगती है। सैयद अमार अब्बास बुखारी, तुम्हारा क्विज कैसा हुआ है? मैम बहुत अच्छा हुआ है, पूरे मार्क्स हैं। मुश्किल था लेकिन कर लिया था। मुश्किल नहीं था, बहुत इजी था। डिटॉल लाइंस, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज मैंने ऐड ही नहीं की थी। अच्छा मैम, अच्छा हो गया था, इसलिए तो पूरे नंबर आए। अच्छा ये किस में उनको चुल हो रही है कि सिनेरियो बेस्ड नहीं लेना? मैम बाद में एकदम से आएंगे तो तब मुश्किल ही होगी। सही है, आप ले लें इस तरह भी। मैम बच्चे कह रहे हैं कि आप असाइनमेंट सिनेरियो बेस लेती हैं तो बेस सिनेरियो बेस ना लें। तुम लोगों ने कॉपी करनी होती है, इस तरह तुम लोग पढ़ोगे नहीं। तुम लोगों के सिनेरियो बेस होना चाहिए ताकि तुम लोग मैम पढ़ो हम लेक्चर कैसे तैयार करेंगे अगर हम सिनेरियो बेस पे करते रहे तो? फाइनल में भी तो हमें लेक्चर्स तो पढ़ने हैं ना। यस मैम, इस तरह मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। मेरी बात सुनो, सिनेरियो आउट ऑफ द कोर्स तो नहीं बनने, सिनेरियो तो कोर्स से बनने। दैट इज मैम, लेकिन आप जो सिनेरियो बनाएंगे वो हम नहीं सॉल्व कर सकते, हम तो अपने लेवल तक कर सकते हैं। बेटा ये आपका लेवल ही है, सीधी सी बात है। तुम लोग लेट सपोज यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर इन प्रैक्टिस इन हेल्थ वर्कर, ठीक है? तुम लोग एक काम कर रहे हो, तुम लोग इन चीजों को डायग्नोज नहीं करोगे तो क्या होगा? मतलब तुम लोग क्या हो, तुम लोग डॉक्टर और ऊपर से तुम लोग होगी तो फिर तो हम लोगों के कहीं पे भी मार्क्स नहीं आने। अगर कोई चीज में बंदा वीक भी तो हो सकता है ना, उसकी प्रैक्टिस। आप असाइनमेंट्स तो सिनेरियो बेस्ड दे रही है तो क्विजेज रहने देना, मतलब वो लेक्चर्स से ले लेना, हमारे लेक्चर्स भी तो प्रिपेयर हो जाएंगे, वरना वो तो नहीं होंगे फिर इस तरह। मारू लिसन टू मी, फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीजें आपकी लेक्चर के अंदर से आएंगी, ठीक है? आई एम हेयर फॉर ट्रेनिंग यू, मैं तुम लोगों की यहाँ पे रिवीजन इसीलिए करवाने आई हूँ, ठीक है? सेकंड थिंग, देयर इज नन ऑफ आउटसाइड फ्रॉम योर सिलेबस। थर्ड थिंग, तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग नहीं कर सकते तो ये तो लेम एक्सक्यूज है। बेटा फिर आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन ही नहीं करना था ये कोर्स। आप नहीं अगर कर सकते तो आप डीपीटी आपने ज्वाइन ही क्यों किया? फिर गो फॉर डिजाइनिंग, गो फॉर अनदर थिंग्स। देयर इज लॉट ऑफ दुनिया में और भी सब्जेक्ट हैं, वो कर लेते बेटा। जब मैं तुम लोगों को कह रही हूँ, मैं तुम लोगों की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि ये चीजें आएंगी, लेक्चर तैयार नहीं होगा। दो दो तुम लोगों सिनेरियो बनाने से तुम लोगों को लगता है लेक्चर नहीं तैयार होगा। कैसी तुम लोग लेम एक्सक्यूजेस मुझे दे रहे हो? यू आर नॉट माई स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट कभी ऐसे नहीं एक्ट करते। मैम क्विज होना चाहिए पहले ही, हमारे किसी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है क्विज ना होने की वजह से। हम लोग यही कह रहे हैं कि असेसमेंट होगी तो तैयारी होगी ना। तीन बेटा लेक्चर हैं, एंटी हाइपरटेंशन, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो टोटली आपकी रिवीजन लेक्चर ही है, सारा मिल मिला के उससे बनता है। या फिर एक लेक्चर है आपका एंटी एंजाइना, ठीक है? ये टॉपिक भी नहीं तुम लोग प्रिपेयर कर सकते एक हफ्ते में, तो मतलब क्या तुम लोगों को? आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतने तो डम माइंड्स तुम लोगों के हैं नहीं।
एंटीरिथमिया वाला भी रिवीजन करवाने का तुम लोगों को मकसद ही है, सिनेरियो मैंने तुम लोगों को बना के बतानी है, तुम लोगों को चीजें मैं करवा रही हूँ और ऊपर से तुम लोग मेरे पास आ रहे हो और ये मुझे एंड पे बोलने के लिए कि हम नहीं कर सकते। सिनेरियो में डिफिकल्टी क्या है तुम लोगों को? देखो बेटा सिनेरियो में क्या होगा, साइंस होंगे, सिम्टम्स होंगे, उसके बाद नीचे डायग्नोसिस तक लिखा होगा, ठीक है? आपने क्या लिखा है, आपने उसके ट्रीटमेंट में ड्रग्स लिखनी है। अगर तुम लोग ये भी नहीं कर सकते तो फार्मा तुम लोगों ने फिर उठाई की? दूसरी क्लास को भी बोलो जल्दी से ज्वाइन करें ताकि मैं स्टार्ट करूं तुम लोगों को ना पढ़ाना। अमान ग्रुप में मैसेज करो। ओके मैम मैं करता हूं। और किसको क्या मसला है अभी बात कर लो, बाद में ना तुम लोग कहना कि हमें ये मसले हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम अभी डिस्कस करो। मैम वो एंटी रिदमिया और सीएचएफ के लेक्चर मिसिंग है, वो भेज दे आप। एंटी कौन से आपको लेक्चर भेजने मैंने? एंटी रिदमिया बेटा वो मैंने इस बार जो आपका जो ये सिनेरियो बेस्ड है ना उसमें एंटी एरिथमिया मैंने ऐड नहीं किया हुआ, वो मैं आपको भेज दूंगी। और सीएचएफ का भी लेक्चर मिसिंग है मैम, वो भी मैं आपको भेज देती हूँ, साथ भेज देती हूँ, ठीक है? थैंक यू। थ्री टॉपिक एंटी एंजाइना है, ठीक है, एंटी हाइपरटेंशन है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। अंडरस्टैंड? ओके यस मैम। अब मार्क यार मैसेज देखना एक मिनट। अच्छा हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो आते रहेंगे। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है ना, कोई शोर वगैरह तो नहीं है? नो मैम। ओके गाइस, guys first of all we are going through revision class, theek hai, start our revision of the cbs, isme mostly aapke scenario basis question aayenge, theek hai, scenario ko kya hoga usme signs symptoms sari cheeze mention hogi, even aapko at the end of the scenario aapko disease bhi kuch mein bata di jayegi, kuch ek typical scenario honge jisme disease bata nahi di jayegi lekin aapko आप कैच कर लोगे, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने उसके ट्रीटमेंट पूछने हैं, आपने सिनेरियो का पार्ट बी बहुत गौर से पूछ देखना है, जो जो चीजें जैसे जैसे मैं बताऊंगी आपने वैसे वैसे फॉलो करनी है, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग फर्स्ट आवर लेक्चर इज एंटी एंजाइना, ठीक है बेटा? एंटी एंजाइना का सिनेरियो जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ये देख रहे हो, दिस इज द लाइन दैट इज द एंटी एंजाइना इज द सडन पेन स्वेर पेन, ठीक है? आपकी सब स्टर्नल रीजन पे होती है, रेडिएट करती है लेफ्ट शोल्डर पे और आपके आर्म्स पे, ठीक है? ये जो है ना ये पेन की पूरी ऐसे का ऐसे ही दे देंगे। 45 ईयर मेल डेट इज आफ्टर टेकिंग द हैवी मील और आफ्टर टेकिंग द एक्सरसाइज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द स्टर्नल एंड द स्वेयर पेन जो उसके कंधे की तरफ जा रही है, उसके आर्म्स की तरफ जा रही है, लोअर जॉ की तरफ जा रही है, तो वो क्या होगा, ठीक है? तो इसमें कोई मुश्किल है अभी तक बताओ? नो मैम। नो मैम, इजी है। नो मैम। तो वो क्या होगा आप लोगों ने बताना है कि वो जी एंजाइना हो सकता है, ठीक है? अब या फिर ये आएगा या फिर सिनेरियो नंबर टू ऐसे भी बन सकता है कि एक पेशेंट है उसने क्या किया, उसने अल्कोहल कंज्यूम किया है, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद उसकी जो उसको पेन हुई है, जब हम लोगों ने फॉरन ईसीजी की है, ईसीजी में हमें पता चला है कि जो उसका एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस है, ठीक है? तो माइट बी द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइना, ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना बता दो। कोई मुश्किल है इसमें? नो मैम। उन्होंने चिड़चिड़ पहले ऐसे ही लगाई हुई थी, ठीक है? फिर उसके बाद थर्ड सिनेरियो ऐसे बन जाता है कि पेशेंट जो है 5 to 6 मंथ पहले ना पता चला है कि पेशेंट जो है वो
कोरोनरी वेसल्स डिजीज से सफर कर रहा है, उसको जो है ना आर्थ्रोसिक्लेरोसिस हुआ हुआ है, ब्लॉकेज हुई हुई है किसी नाली की, ठीक है, ब्लॉकेज होने की वजह से क्या हुआ है उसको, यकदम एक्सुएट टाइप ऑफ स्टैबिंग पेन हुई है, तो पेन जो है वो रेडिएट कर गई है उसके शोल्डर पे, तो वो क्या हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल है? नो मैम, ऐसे तो इजी लग रहा है, बाद में पता नहीं क्या होता है, बाद में भी बेटा इजी होगा, अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कब करोगे, एक बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, तीसरी बार नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब ये देख रहे हो इसके रिस्क फैक्टर आपको पता होना चाहिए, रिस्क फैक्टर कब ये पेन प्रोवोक होती है, हीट या कोल्ड में होती है, ज्यादातर जो स्नैरियो बनते हैं वो हैवी मील में होती है, ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन में होती है, स्मोकर्स में, या फिर ये बता देते हैं कि पेशेंट जो है वो पैसिव स्मोकर था, चेन स्मोकर था, बहुत ज्यादा स्मोकर स्मोकिंग करता था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद, या पेशेंट ओबीज था, बहुत मोटा था, खाना खाने के बाद उसको पेन हो गई है, ठीक है, जो पेन जो है वो 1 से 15 मिनट तक की है, बिल्कुल ऐसे लगा है कि जैसे नाइफ उसकी जो है ना दिल में चुभो दी हो, तो उसको कौन सी पेन है, ठीक है, ये आपके आगे टेबल एंजाइना का केस, ठीक है, छोटे छोटे से स्नैरियो। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना एक और आपके पास बनेगा, एक और केस ऐसे बनता है कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसको जो है ना मसल, पहले वो उसको लगा कि उसको जो है ये उसने वो क्या क्रिकेट खेल के आया है, ठीक है, उसको क्या हुआ था, उसको उसको फील हुआ कि उसकी ये मस्कुलर पेन है, उसकी जो मसल्स जो है वो स्ट्रेच हुए हुए हैं, लेकिन क्या हुआ उस थोड़ी देर बाद उसकी जो पेन की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करती गई है, 20 मिनट तक उसको पेन हुई है, ठीक है, 20 मिनट पेन होने के बाद क्या हुआ है कि उसको ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होना है, सांस लेने में दुश्वारी आ गई। जी महानूर रहमान, क्या कहना है? मैम स्टेबल में हम लोगों को एक्सरसाइज से आ रही है ना, तो मैम ये जो अनस्टेबल में सेकंड पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हमें लेस एफर्ट से होती है, जिसमें हम लोग कुछ भी कर नहीं रहे होती है, स्टेबल एंजाइना जो होती है वो हार्मफुल नहीं होती, स्टेबल एंजाइना जो होती है वो किसी भी एग्रीगेटिंग फैक्टर से हो जाती है, 20 मिनट तक 15 मिनट तक उसकी पेन रहती है, लेकिन जो अनस्टेबल होती है उसकी 20 मिनट से ज्यादा पेन होती है, अनस्टेबल में जो होता है ना हमेशा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी फील होती है, और अनस्टेबल में क्या होता है कि जो अनस्टेबल एंजाइना होता है ना वो नाइट्रोग्लाइसरीन से ट्रीट नहीं होता, ठीक है, पूरा ये सिनेरियो सुनना जो मैं तुम लोगों को बताने लगी हूं, ठीक है, उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है, हमने उसे इमरजेंसी में शिफ्ट किया, इमरजेंसी में डॉक्टर ने ना फौरन ही उसकी सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दे दी, लेकिन जो सिम्टम्स है ना वो खत्म नहीं हुए, तो ये माइट बी द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है, या एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम की वजह से पेशेंट जो है ना वो सफर कर रहा है, ठीक हो गया, तो अब आपने यानी कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है इस, ठीक है, ये सिनेरियो समझ आया मैम? वो मैंने क्वेश्चन ये करना था कि एक्सरसाइज से तो नहीं आ रहा ना अनस्टेबल वाला? नहीं बेटा, अनस्टेबल जो होता है ना वो एक्सरसाइज से नहीं आता, उसके एग्रीगेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ना वो मोस्टली होते हैं कि आपकी जो मायोकार्डिक इन्फार्क्शन हो जाए, या फिर अनस्टेबल में जो होता है ना वो जो आपकी जो आर्थ्रोसिक्लेरोसिस प्लेक जो होता है ना वो कम्प्लीटली एक्लूड कर देती है आपकी ब्लड वेसल्स को, अनस्टेबल में। एक और डिफरेंस में मैं आपको ये बता रही हूँ कि अनस्टेबल की फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, पेन की इंटेंसिटी होती है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज करती जाती है, उसका ड्यूरेशन इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। ओके मैम, आपकी आवाज बीच में से कट जाती है, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। बेटा रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, सबको कट के मिल रही है, everybody is suffering from no ma'am distortion, no ma'am, no ma'am, ये issue है, वो आप recording में कर लेना, देख लेना, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद आ जाती है दो एंजाइना होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएंट एंजाइना, ठीक है, वेरिएंट एंजाइना क्यों होता है? वेरिएंट एंजाइना जो होता है ना वो एक एपिसोडिक होता है, ये रेस्ट पे भी हो सकता है, या फिर आप जो पेशेंट जो है ना उसमें क्या होता है, वेरिएंट एंजाइना में आपके पास हिस्ट्री आती है कि पेन की हिस्ट्री है, ठीक है, पेन रेडिएट कर रही है, लेकिन क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो डिक्रीज कर जाता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो होती है ना वेरिएंट एंजाइना हो जाती है, ठीक है। अब वेरिएंट एंजाइना में एक और चीज़, सेकंड सिनेरियो आपका ऐसे बनेगा, पेशेंट है पेन के साथ है,
चार महीने पहले डायग्नोस हुआ है उसको आर्थरोसिक्लेरोसिस है, ठीक है। उसके बाद उसने कोई हैवी एक्टिविटी नहीं की, कोई स्ट्रेंथ उसने एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन जो है ना उसका ब्लड प्रेशर लो हुआ है, ब्लड प्रेशर लो होने के साथ साथ ही उससे पेन फील होना शुरू होगी, तो ये कौन सा एंजाइना होगा? डेट इज़ योर वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। अब वेरिएंट एंजाइना में हम लोग उसमें क्वेश्चन बनता है कि हम उसको क्या क्या दे सकते हैं। हम लोग उसमें नाइट्रोग्लाइसरीन दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसके अंदर जो है ना बीटा ब्लॉकर नहीं देते, समझ आ गई है बेटा? यस। अच्छा अच्छा, बस इसमें एक और चीज़ होती है कि इसमें जो एसटी सेगमेंट है ना वो एलिवेट होता है, जबकि दूसरे में जो स्टेबल में क्या होता है, एसटी सेगमेंट जो है ना वो डिप्रेस होता है। ये दो तीन बातें ये याद करनी है, ठीक है। अब जब इंजाइना का ट्रीटमेंट आपसे पूछा जाएगा, ये आपने ना उसके अकॉर्डिंग भी तैयार कर लो, लाइक योर रिटर्न के अकॉर्डिंग तैयार कर लो। जब आपसे इंजाइना का ट्रीटमेंट पूछा जाएगा, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, कि हम लोगों ने पहले फैक्टर्स को कैसे एलिवेट करना है, फिर हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करना है। दिस इज़ योर ट्रीटमेंट प्लान, ये आपने जो है ना ये पूरे का पूरा ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको उसमें से दे दूंगी कि अच्छा चलो एंजाइना हो गया, एंजाइना आपका साबित हो गया, अब आपने बताना है कि कौन सी मेडिसन हैं जो ऑक्सीजन की डिमांड को डिक्रीज करती हैं और ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज करती हैं। तो ये वाली स्लाइड आपने बता देना, नाइट्रेट और कैल्शियम, और जबकि सिर्फ ऑक्सीजन डिमांड की बात डिक्रीज करने की आएगी आपने कह देने बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। अच्छा, एंजाइना का जब ट्रीटमेंट पूछा जाएगा ना, ये एसएच ही आपने ड्रॉ करना है, ये मैं रिटर्न के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक हो गया बेटा? मामा कुछ टेबल स्लाइड वो भी लिखेंगे और टेबल भी बनाएंगे? बेटा मुझे समझ नहीं आई क्या कह रहे हो आप। मैम जो 15 स्लाइड में ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट प्लान है वो भी लिखेंगे और टेबल भी बताना है? बेटा ट्रीटमेंट प्लान जब भी मैं आपसे पूछूंगी आपने यहां से स्टार्ट होना है और यहां तक लिखना है, समझ आ गया? ठीक है मैम, 3 स्लाइड्स नो। ओके, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द, अब मैं उसमें से क्लासिफाई कर सकती हूँ कि जैसे एंजाइना है बंदे को, एंजाइना बंदे को है, बंदा जो है वो नाइट्रेट्स दे रहा है, ठीक है। नाइट्रेट्स के बता दो कि कौन से दो नाइट्रेट्स होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग आपने उनके नेम लिखने हैं, ठीक है। फिर मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ, आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे सेकेंड क्या पूछ सकती हूँ कि आपने नाइट्रेट्स बंदा ले रहा है, नाइट्रेट्स लेने से कौन से उसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये साइड इफेक्ट बताने हैं, स्नैरियो वही होंगे, सिर्फ नीचा जो पार्ट बी है ना क्वेश्चन का वो चेंज हो जाएगा। या तो आपसे पूछा जाएगा साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स, आपको एंजाइना आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद साइड इफेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, आपसे इंडिकेशंस पूछी जाएंगी और आपसे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पूछी जाएंगी, ठीक है बेटा, समझ आ गई इस चीज की? यस मैम। मैम आपने कहा था कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन के रीजन भी पूछेंगे आप, मैम वो थोड़े से रिपीट कर देंगे आप? कॉन्ट्रा इंडिकेशन की रीजंस जो है ना वो सिनेरियो बेस में नहीं मैं पूछूंगी, मैं वहां पे पूछूंगी आपसे क्या उसको कहते हैं, आपसे मैं उसमें पूछूंगी, आपके फाइनल में पूछूंगी। रीनल इस्कीमिया में नहीं देते हम लोग नाइट्रेट्स, क्यों नहीं देते? नाइट्रेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि नाइट्रेट आर वैसोडायलेटर, ठीक है। रीनल इस्कीमिया में ऑलरेडी ब्लड सप्लाई कम हुई होती है, तो नाइट्रेट्स जो होते हैं वो वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, ब्लड प्रेशर को लो कर देते हैं, ठीक है। क्यों मायोकार्डिक इन्फॉक्शन में नहीं देते? इन्फॉक्शन में क्यों नहीं देते? इन्फॉक्शन में आल्सो जो होती है ना हमारे पास ब्लड सप्लाई कम हुई होती है, नाइट्रेट्स क्या करते हैं वो ब्लड सप्लाई को कम कर देते हैं। अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में नहीं, क्यों नहीं देते? हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ होता है, ठीक है। जो अगर भी बंदा बीटा ब्लॉकर्स ले रहा होता है वो क्या करती है, वेसल्स को डायलेट कर देती है ताकि ब्लड फ्लो कम हो जाए और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाए। आप नाइट्रेट्स चुप के दे दोगे तो ब्लड प्रेशर तो और कम हो गया, और कम हो गया तो सडनली बंदे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना ही है मैम इस लेक्चर में से जो बताया आपने? हाँ जी बेटा, इस लेक्चर में से ये इतना ही। अगला लेक्चर स्टार्ट करूं? Yes, ma'am. जी मैम। अच्छा, जिसको जो चीज समझ नहीं आएगी ना तुम लोग दोबारा मुझसे पूछ लेना। देखो सिनेरियो वही बनने हैं, चार पांच बनने हैं जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ,
लेकिन सिनेरियो के पार्ट भी जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है बीटा ब्लॉकर्स के साथ, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि पेशेंट जो है वो सफर कर रहा है, एंजाइना से सफर कर रहा है, ठीक है। आपने उसको क्या दे दिया, आपने उसको बीटा ब्लॉकर्स दे दिए, ठीक है। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कौन सी ऐसी हम ड्रग देंगे जो ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज करती है और डिमांड को कम करती है, तो आपने कहना है बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स में मैं आपसे ड्रग्स के नेम पूछ सकती हूँ, एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, ठीक है, इस्मोलोल, ये आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे एक और चीज पूछ सकती हूँ कि प्रोपेनोलोल जो है वो हम प्रेफर नहीं करते, ये दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये बेटा आपको फाइनल के लिए आना चाहिए। अच्छा ये आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर्स को हम कंबाइन क्यों नहीं करते, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट दिस। कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको आने चाहिए बीटा ब्लॉकर्स में, हम किसमें नहीं देते, वैसे टोटल 5 है, ये आपको 3 आनी चाहिए, ये 3 की 3 ऐसे ही जो है ना आंसर की बनेगी। अच्छा ठीक है, मैं इनकी रीजन भी बता देती हूँ बेटा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्यों नहीं हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो ऑलरेडी अपनी फंक्शनिंग छोड़ रहा होता है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द हार्ट, ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हम हार्ट रेट को कम करते हैं। एक हार्ट पहले ही अपनी फंक्शनिंग छोड़ रहा है, ऊपर से आपने ब्लॉकर दे दिए, बंदे की तो डेथ हो जाएगी ना। अब बीटा ब्लॉकर्स में क्या होता है कि ऐसा मां पेशेंट में नहीं देते, क्यों नहीं देते, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो आपकी होती है ब्रोंकियल्स जो होते हैं, ब्रोंकियल्स जो होते हैं सबको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, ठीक है। ब्रोंकोस्पैज्म अगर अस्थमा में दोगे तो बंदा वैसे ही कड़ी चूंग जाएगा, दीज आर द सिंपल रीजंस, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में कौन सी ड्रग्स आती है, आपके ड्रग्स के नेम आना चाहिए, वेरापामिल और डिल्टियाजम और एमलोरोडिपीन, ये 3 नेम तुम लोगों को उठते बैठते आने चाहिए, समझ आई। ये आंसर की में कोई और बने ना बने, ये लाजमी बनेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कैल्शियम चैनल के साइड इफेक्ट्स, आपको सबको आने चाहिए, आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन आनी चाहिए, ये ऐसे की ऐसे ही 4 कॉन्ट्राइंडिकेशन तुम लोगों ने याद करनी है, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। नाइट्रेट्स के साथ बीटा ब्लॉकर्स हम देते हैं, अगर देते हैं तो क्या उसके इफेक्ट होते हैं, अगर क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कैल्शियम के साथ हम बीटा ब्लॉकर देते हैं उसके क्या इफेक्ट होते हैं और क्या उसके साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। कैल्शियम एंड नाइट्रेट्स, ये आपको ट्रिपल थेरेपी, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम तीनों को इकट्ठे दे देंगे तो क्या क्या होगा, निफेडिपिन, नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर्स, ये आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। ये वाले क्विज बेटा पढ़ के आने हैं, ये जो 3-4 है, दिस इज एंटी इंजाइना जो है ना वो खत्म हुआ। अब मैं एंटी इंजाइना को रिपीट करने लगी हूँ। सिनेरियो पिक करना आपको मैंने सिखाया है, अभी मैंने आपको बताया है कि नाइट्रेट्स के साइड इफेक्ट क्या है, कैल्शियम चैनल के साइड इफेक्ट क्या है, बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट क्या है, इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन तुम लोगों को आनी चाहिए, तुम लोगों को ट्रिपल थेरेपी आनी चाहिए। सिनेरियो का एक दफा बता दे, मैंने लेट जॉइन किया था, नेट नहीं था। कॉम्बिनेशन थेरेपी आनी चाहिए बेटा, टाइम बहुत कम है मेरे पास, अब आप रवि रिकॉर्डिंग में सुन लेना सिनेरियो कैसे पिक करने हैं, ठीक है बेटा, समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम। सिनेरियो पिक कर लोगे ना जी? Anybody have any other question? If not, ma'am, diabetes में beta blockers दे सकते हैं? बेटा diabetes वाले को beta blockers दे सकते हैं या नहीं दे सकते? देखो, beta receptors are also present on your you can say pancreatic cells, ठीक है? तो diabetes में भी जो होता है ना beta receptors जो है हम block करवाते हैं। मैम असाइनमेंट में सिनेरियो पहले लिख के फिर उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। हाँ जी बेटा, ठीक है। आपके बाकी क्या पहले उसने किया, आप लोग उसमें से देखो ना कि बाकी हमें जिस तरह भेजा हुआ है। अच्छा बेटा, एंटी हाइपरटेंशन का सिनेरियो कैसे हम लोगों ने पिक करना है वो सीखो। अच्छा, सबसे पहले आपके पास क्या हो जाएगी,
एंटी हाइपरटेंशन का सिनेरियो पिक करना. बेटा प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन का आपको पता होना चाहिए. प्राइमरी जो होती है ना वो बीपी का राइज होना होता है, ठीक है, कोई भी स्ट्रेस से, जेनेटिक इफेक्ट से, इन्वायरमेंटल कॉज से, डाइट से. जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है किसी भी डिजीज एसोसिएटेड जो बीपी है वो आपका राइज कर जाए, ठीक है. सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होती है ना वो या तो एंडोक्राइन डिजीज की वजह से होती है या रीनल डिजीज की वजह से या आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से. अब सिनेरियो ऐसे बनेगा कि एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है आर्थरोस्क्लेरोसिस से, ठीक है. जब पेशेंट को हम लोगों ने चेक किया तो हमें पता चला जी पेशेंट जो है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो लो जा रहा है, ठीक है. तो आपने क्या करना है, अगर उसका ब्लड प्रेशर लो जा रहा है तो सिंपल ये एंटी हाइपरटेंशन का केस हो गया. अगर उसका ब्लड प्रेशर लो जा रहा है प्लस उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, जो टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, तो ये क्या बनेगा, ये आपका जो है ये स्पास्टिक एंजाइना बन जाएगा. ठीक हो गया, ये एंजाइना और हाइपरटेंशन में दोनों में फर्क पता चल गया? जी मैम. यस मैम. ठीक हो गया. अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि ज्यादातर जो एंटी हाइपरटेंशन के ना सिनेरियो इतने ज्यादा नहीं बनते, वो बस यही बनते हैं कि पेशेंट है, पेशेंट जो है वो पहले से कोई ड्रग्स नहीं ले रहा था लेकिन क्या हुआ कि उसको उसका जो है उसका बीपी हम लोगों ने मेजर किया तो ज्यादा हो गया, ठीक है. या फिर एक ऐसे सिनेरियो बनेगा, एक पेशेंट है वो आपको कहता है कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है इस टाइम, ठीक है, और उसको ना स्वेटिंग स्टार्ट हो गई है और वो अनकॉन्शियस हो रहा है. तो जैसे आपके पास आया है इमरजेंसी कंडीशन में, आपने चेक किया तो उसका जो बीपी है वो 140 सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक 90 से रेज किया हुआ है, तो आप बताओ कि इसको क्या है. तो आपने कहना है हाइपरटेंशन है, ठीक है. या आपके पास एक सिनेरियो ऐसे आएगा कि एक पेशेंट है उसके ना रीनल फेलियर हो गया, रीनल फेलियर हुए हुए उसको कुछ 4 साल हो गए थे, ठीक है, वो ड्रग्स ले रहा था रीनल फेलियर की. अब ड्रग्स लेने के बाद जो है ना कुछ दिनों से, लास्ट फ्यू डेज थे ना, उसको बहुत ज़्यादा मतलब के ईगरनेस होता है कि बहुत ज़्यादा ना उसको जल्दी पड़ जाती है या काम में उसका दिल नहीं लगता, उकता जाता है, ठीक है, और एकदम से उसका जो है ना वो गुस्सा आना शुरू हो जाता है. और जब हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए, हमने ब्लड प्रेशर चेक करवाया तो उसका जो था वो काफी ज्यादा ब्लड प्रेशर निकला. दिस इज द सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है. दो सिनेरियो हो गए. तीसरा बता रही हूँ कि एक पेशेंट है, यंग पेशेंट है, ठीक है, 12 ईयर्स का है, लेकिन क्या है कि जब वो पैदा ही हुआ था तो उसके जो दिल के वॉल थे ना वो बंद थे. दिल के वॉल बंद होने की वजह से ना बच्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा करता है, ठीक है, और इस एक टिपिकल साइंस ये आते हैं कि चीज़ों को उठा उठा के फेंक रहा है. लेकिन जब उसको चेक करवाया तो उसको पता चला कि द चाइल्ड इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है. तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे, ये 3-4 सिनेरियो समझ आ गए ना कैसे पिक करने हैं. मैम मैम, वॉल बंद थे तो बच्चा जिंदा कैसे है? बेटा सारे वॉल नहीं बंद होते, दो वॉल मेरे भाई के थे, चार बंद हो जाते हैं ना तो सडन डेथ हो जाती है, ठीक है. या फिर ऐसा होता है कि बच्चा पैदा हुआ है एक कंजेनिटल अबनॉर्मैलिटी से, कि जो सेप्टम ऑफ हार्ट है ना वो प्योर डेवलप नहीं हुआ हुआ, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है. अब क्या होता है कि एकदम बच्चे का ब्लड प्रेशर जो है ना वो राइज कर जाता है, तो आप बताओ कि उसको कौन, उसको चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है. जो सेप्टम ऑफ हार्ट है ना वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ हुआ, जिसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन हो रही है, ठीक है. तो ये कौन सी हाइपरटेंशन है? दिस इज योर सेकेंडरी हाइपरटेंशन और इसका ट्रीटमेंट बता दो. समझ आ गई? Yes, आगे से जवाब भी तो दो ना. जी जी मैम. मैम प्राइमरी का एक दफा और बता दें.
बेटा प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है या तो वो जेनेटिक्स की वजह से हो सकती है, इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, टेंशन की वजह से हो सकती है. प्राइमरी हाइपरटेंशन पे अगर सिनेरियो बनेगा ना तो वो इस तरह बनेगा कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो बिजनेसमैन है, ठीक है, उस पे वर्कलोड ज़्यादा हुआ होगा, उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है कि बिजनेस जो मैन है ना उसको, मतलब कि हम लोगों ने चेक किया तो उसको पता चला कि उसको हाइपरटेंशन है, ठीक है. तो व्हाट दैट हाइपरटेंशन, यू सेड इट्स अ प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है. ओके मैम. यस ओके मैम. मैम अगर पेशेंट का डायबिटीज हो तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकती है. सेकेंडरी हाइपरटेंशन मैम, इसके अंदर हमें सिर्फ ये बताना है कि प्राइमरी है और सेकेंडरी के आगे उसका ट्रीटमेंट भी बताएंगे. बेटा कुछ में आपको मेंशन होगा कि प्राइमरी है और कुछ में नहीं मेंशन होगा, आपने मेंशन करना है, ठीक है, ज्यादा में मेंशन हो. ओके मैम. डायूरेटिक्स के ड्रग्स के नेम आने चाहिए. डायूरेटिक्स के बाद तुम लोगों को एसिन इनहिबिटर्स के नेम आने चाहिए. ये सारे नेम्स के नेम आने चाहिए तुम लोगों को. बीटा ब्लॉकर सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव के नेम आने चाहिए. उसके बाद वेजोडायलेटर आने चाहिए. कैल्शियम चैनल ये पुरानी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है. डायूरेटिक्स के आपको साइड इफेक्ट पता होने चाहिए, ठीक है. मैं तुम लोगों से पूछ सकती हूँ व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक्स. मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ कि अगर लूप डायूरेटिक्स जो है ना वो हम लोग दे रहे हैं, साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, तो हम लोग कौन से देंगे. हम लोग दे देंगे पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है. रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम आपको पता होना चाहिए. इसके आपको वो पता होनी चाहिए. मोर इम्पोर्टेंट इज लाइक आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको इसके जो क्लिनिकल यूजेस पता होने चाहिए, आपको इसके साइड इफेक्ट पता होने चाहिए, आपको इसके इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन पता होने चाहिए, ठीक हो गया. बेटा बेसिकली मैं आप लोगों को सिनेरियो पिक करना बता रही हूँ जिसमें तुम लोगों ने रोले डाले हुए थे कि हमसे पिक नहीं होगा सिनेरियो. सिनेरियो पिक करने का मेथड पता चल गया? यस मैम. कैप्टोप्रिल के एडवर्स इफेक्ट पता होने चाहिए, ठीक है. कैप्टोप्रिल के बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कैप्टोप्रिल देते हैं पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो जाएगा तो हम उसके साथ क्या दे देते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है. कैप्टोप्रिल की इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ना होना चाहिए. एनाप्रिल आपको मैं पूरा स्नैरियो बनाऊंगी और उसके बाद मैं आपको कहूंगी कि पेशेंट को हमने कैप्टोप्रिल दे दिया, ठीक है. ऐसी कौन सी 3 से 4 सिचुएशन है जिसमें हम कैप्टोप्रिल नहीं देंगे, ठीक है. समझ आ गई? यस मैम. ठीक है. अच्छा उसके बाद आप लोगों को लोरसेटन, लोरसेटन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग. इसके आपको जो है ना एडवर्स इफेक्ट पता होना चाहिए. ये मैं आपसे पूछ सकती हूँ. दूध क्या आपके पास? जी बेटा बोले. अच्छा बीटा ब्लॉकर्स, इसके एडवांटेजेस पता होने चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है. अल्फा में पैराजोसिन में ड्रग का नाम लिखूंगी, आपको इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट पता होने चाहिए. कैल्शियम चैनल वही वाला पिछले वाले हैं और ये साइड इफेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है. एंटी हाइपरटेंशन में मैंने अगेन रिपीट करने लगी. एंटी हाइपरटेंशन में मैंने आपको स्नैरियो बताया, मैंने आपको लोरसेटन बताया है, ड्रग कैप्टोप्रिल बताई है, बाकी सब ड्रग्स जो है उनके साइड इफेक्ट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, थायजाइड्स, थायजाइड्स में से पोटेशियम स्पेरिंग थायजाइड्स के नेम आने चाहिए. उसके बाद थायजाइड्स हम डायूरेटिक हम क्यों नहीं देते, अगर हम देते नहीं है तो हम कौन सा डायूरेटिक बेस्ट है जो हम दे सकते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक हो गया. मैम कैप्टोप्रिल जो हमारी एसी इनहिबिटर है मैम, उसमें के पोटेशियम स्पेरिंग के बारे में क्या लिखा हुआ था, मतलब कि वो तो एसी इनहिबिटर नहीं है ना. अच्छा मेरी बात सुनो, कैप्टोप्रिल में उसने ये बताया था जो कैप्टोप्रिल है ना वो हाइपरकैलेमिया कर देती है. अब बंदे को हाइपरकैलेमिया की वजह से क्या होता है, स्पैज्म हो जाता है क्रॉनिकली, इट्स अ साइड इफेक्ट.
उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑप्टोप्रिल के साथ हम लोग जो है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स दे देते हैं या फिर एनसीड दे देते हैं कॉम्बिनेशन में. बेटा स्लाइड से बननी है सारी चीजें, स्लाइड समझ आ गई. मैम ये स्लाइड नंबर 12 में लिखा हुआ है कि एडवांटेजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स में अस्थमा का भी लिखा हुआ है, तो मैम ये क्या मीन कि हम अस्थमा में ये एक मिनट कंजेस्टिव हार्ट के लिए एक दफा पढ़ लो. ओके मैम, तो कि कंजेस्टिव हार्ट के लिए रहा जाए तो कंजेस्टिव हार्ट के लिए हमें सारी सारी वही ड्रग्स हैं जो पहले हैं, ठीक है. कंजेस्टिव हार्ट के लिए हमें क्या होता है कि आपके पास क्योंकि जो उसका ब्लड है ना वो लंग्स की तरफ बैक जा रहा है, ठीक है. तो ये क्या है साइन ऑफ सिम्टम, दिस इज साइन ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. इसमें जो हार्ट जो है वो पंप नहीं ठीक से करता, ठीक है. ऐसा इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स अलहदा से नहीं है. ये अगर कोई स्नैरियो बनेगा उसमें आपको लिखा जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अच्छा, या फिर आपको ये बताया जाएगा कि जो आपकी जो मायोकार्डियम है ना उसकी जो थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो गई है. आप लोगों को पता चला ठीक है हार्ट जो है ना वो पंप नहीं कर रहा प्रॉपर, उस पंप नहीं कर रहा, तो ये क्या हो सकता है, तो आप लोगों को पता चलेगा दिस इज योर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. ओके समझ आ गया बेटा? यस मैम. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बेटा आपके साथ में ये भी बता देंगे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ हुआ है बंदे को, या फिर बंदे की जो है ना लंग्स कंजेशन हुई हुई है, ठीक है. बंद रीनल उसकी पहले से एबनॉर्मेलिटी थी, कंबाइन करके इसका थोड़ी हल्की आ रही थी, लाउड बोले सबको हल्की. जिन बच्चों के माइक्स ऑन है वो ऑफ कर दें. मैं ऑफ कर दूंगी नाउ द माइक्स. वेट करो. जो पीछे से हांडी होंगे और तबलों की आवाजें आ रही हैं ना, अपना दो मिनट अब सीरियस हो गए लेक्चर ले लो छोटा सा. अच्छा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोगों को हाइपरटेंशन है या वॉल्वुलर डिजीज है या फिर क्या हो गया, हार्ट का साइज इंक्रीज हुआ हुआ है, मायोकार्डियम की थिकनेस ज़्यादा हुई हुई है, ठीक है. ये सिनेरियो में तीन चार पॉइंट्स आपको चीज़ें बता दिए जाएंगी, ठीक है. तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट उसका ट्रीटमेंट बताना है, या फिर आपको बताया जाएगा ये साइन एंड सिम्टम्स ये सारे के सारे पढ़ लो, ठीक है. ये आपको ऐसे बताया जाएगा कि एक पेशेंट है आपके पास आया है, 46 ईयर उसकी एज है, ठीक है. वो कहता है मुझे कमज़ोरी फील होती है, ठीक है, मुझे सांस लेने में दुश्वारी है, पिछले साल मेरा जो है वो रीनल ट्रांसप्लांट भी हुआ हुआ है, ठीक. उसके बाद जो है ना मेरा जो लीवर है वो इनलार्ज हुआ हुआ है, हेपेटाइटिस मुझे हुआ हुआ है, ठीक है. तो मतलब कि उसको हमने डायग्नोस किया है कि उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मल्टीपल डिजीज के साथ, ठीक है. जब भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आता है इट्स नॉट अ सिंपल, इट्स कम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल डिजीज, ठीक. या फिर आपको बताया जाएगा कि एक पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, ठीक है, हाइपरटेंशन के साथ फीमेल पेशेंट सफर कर रही है. उसके बाद क्या है कि उसकी जो नेक की वेन्स है ना और एब्डोमिनल पे के वेन्स हैं वो स्वेल कर जाती हैं, ठीक है. डिजीनेस है, फटीक है, और उसका क्या है कि उस पता चला है जी उसका जो है ना हार्ट जो है ना वो फेलियर की तरफ मूव कर रहा है, वो ब्लड को प्रॉपर सप्लाई नहीं कर रहा, पंप नहीं कर रहा. तो आप इसका ट्रीटमेंट बताओ. तो बेटा आपने ये वाला ट्रीटमेंट जो मेडिकेशंस है ना ये सारी की सारी आपने बता देनी है. ये आपको ट्रीटमेंट ऐसे ही आपने आना है. ये आपको ना शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा, फाइनल में भी आपका यही आएगा. डाइजोक्सिन बेटा, डाइजोक्सिन के बारे में बहुत ज्यादा पूछा, मतलब मैम ये सारा जो भी उन
कॉज सिम्पटम्स में जितना भी सिनेरियो आएगा हमें उन सबका ट्रीटमेंट ये एक ही होगा जो हम सबका लिखेंगे. हाँ जी, उसका ट्रीटमेंट एक होगा, फिर उसका पार्ट बी बनेगा जिसमें कोई चीज स्पेसिफिकली आपसे पूछी जाएगी. अगर ट्रीटमेंट की बात भी की जाएगी तो जस्ट आपने ड्रग्स के नेम लिखते हैं, या स्पेसिफिकली पूछी जाएगी कि भाई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ आई थी लेकिन हमने उसको डायजोक्सिन दे दिया, डायजोक्सिन की क्या हो गई है, टॉक्सिसिटी हो गई तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है, या ऐसे बन जाएगा. अच्छा, डायजोक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए, डायजोक्सिन के साइड इफेक्ट आने चाहिए, डायजोक्सिन टॉक्सिसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए. दो तीन बच्चों ने मैं देख रही थी, पढ़ रही थी, स्नैरियो बनाया था डायजोक्सिन टॉक्सिसिटी पे, बहुत अच्छा स्नैरियो बनाया था. माइट भी मैं वही उठा के आप लोगों को दे दूँ, ठीक है. रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको पहले भी पता होगा, इसके साइड इफेक्ट वही हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि लिसिनोप्रिल जो है ना वो हम हेपेटिक फेलियर में दे सकते हैं बिकॉज वो उसकी जो है लीवर के थ्रू एलिमिनेशन नहीं होती. बीटा ब्लॉकर्स, ये सारी की सारी चीज़ें बेटा रिपीट हो रही हैं, ये सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मैंने 10-10 दफ़ा तुम लोगों को लेक्चर में भी बताई हुई हैं. मैम इसके फर्स्ट पार्ट की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की. चलें ठीक हो गया बेटा, ये सारी चीज़ें, लेट्स सी द शॉर्ट ऑफ द लेक्चर. मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, स्नैरियो बनेगा, स्नैरियो का बी पार्ट या तो ट्रीटमेंट का होगा, ट्रीटमेंट में आपने ड्रग्स के नेम लिखने हैं. ये ना हो गए एक एक बच्चा उठा के लिसिनोप्रिल यूँ लिख लाओ, ग्रुप लिखना है, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है. फिर उसके आगे तुम लोगों ने दो दो ड्रग्स के नाम लिखने हैं. और दूसरी चीज़ बेटा कि आप लोगों को सम ट्रीटमेंट्स में डिजीज़ पता चल जाएंगी लेकिन डिजीज़ में आपने डायग्नोस नहीं करना होगा, आपने उसमें से स्पेसिफिकली पूछा जाएगा. जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साइड इफेक्ट बता दो, इंडिकेशन बता दो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता दो, ठीक है. ये छोटी छोटी चीज़ें, इसमें कुछ चीज़ें मुश्किल हैं, स्नैरियो में तुम लोगों को बता चुकी हूँ. और बताओ जी, मैंने आपको मेल की थी, आपने रिप्लाई नहीं किया. बेटा मेल क्या की थी बताएं आप दोबारा से, मुझे याद आ जाएगी अगर मैंने पढ़ी हुई तो. मैम मैंने वैसे पूछा था आपसे टाइमिंग का, मुझे 17 को क्विज होना है. मैंने आपको बताया तो था कि आप ट्यूसडे को मेरे पास 1-2 बजे वहां पे आ जाना. आप आए थे मैम कहां पे आप? नहीं आपने मुझे नहीं कहा मेल में. मैंने मैम जी मैम वो नहीं है, ये दूसरी लड़की है, वो उसने दूसरे ने पूछा था, वो आयशा महल इम्तियाज ने पूछा था, उसने वो ऑनलाइन देने थे पेपर्स ना. ये तुम्हारा क्या मसला है, तुम किस लिए मुझसे मिलना चाह रही हो? मैम मैं मिलना नहीं चाह रही हूँ, आपसे टाइम कंफर्म करना था 17 को जो क्विज है उसका, मैंने आपको बताया था मसला. टाइम कंफर्म करना था मुझसे मैम क्विज का. अच्छा क्विज का, ठीक है. अच्छा बेटा ये वाला क्विज आपका संडे को होगा? जी मैम टाइम आपने कहा था मैं रात को कर दूंगी, क्योंकि संडे को मैं आप लोगों को मेल भी कर देती हूँ जिस क्विज विल बी हेल्ड ऑन संडे. संडे को शाम 6-7 के दरमियान ये खुलेगा. थैंक यू मैम. सुबह लेके फारिग करें, सारा दिन बैठना पड़ेगा. सुबह सुबह नहीं उठते होते तुम लोगों को? नो मैम ये टाइम सही है. घर आके एक एक बच्चे को उठा के खुदारा क्विज है आ जाओ दे दो, ऐसे ना कर लो, हद हो गई है बेटा. मैम वो क्लास टाइम 12:30 में नहीं ठीक, किसी की शादी आ जाती है बीच में, किसी ने वलीमे पे जाने होता है, कोई सुबह उठ नहीं सकता. इतनी तुम लोगों ने अपनी लाइफ इजी बनाई हुई है, ऊपर से मजे की बात है ऐसे कॉन्फिडेंस से आप लोग अपने टीचर्स को कह रहे होते हैं. मैम तो 12-1 बजे ले ले वो सही है. मैम आप घर में अकेले नहीं रह सकते इसलिए मैंने आपको कहा, वरना मैं छोड़ भी सकती थी रिसेप्शन. तुमने टाइमिंग का क्या इशू, तुम्हारा क्या इशू आ रहा है मुझे बताओ. मैम मेरे लिए ये सही है शाम 6 बजे तक, क्योंकि दिन के टाइम जाना है. मैम क्विज का कितना टाइम होगा? 1 घंटा मैम ने बताया कि 1 घंटे में खुलेगा, बाकी वो टाइम मैम बता देती हैं जितने एमसीक्यूज हों. क्या कह रहे बेटा अमान दोबारा से कहो. मैम आपने कहा है कि 1 घंटे तक मतलब ओपन होगा ना 6-7 बजे तक क्विज, बाकी टाइम आप बता दें कितने टाइम तक. तो 6-7 बजे, 6 से लेकर 7 बजे तक ओपनिंग टाइम है, आप जब मर्जी अटेम्प्ट कर सकते हैं.
लास्ट क्विज में भी तो 45 मिनट्स थे ना जी जी मैम अच्छा मेरी बात सुनो मुझे एक बात बताओ लास्ट क्विज में किसी को कोई मसला हुआ था नो मैम नो मैम एवरीबॉडी सेटिस्फाइड यस मैम लास्ट क्विज में किसी को मसला तो नहीं हुआ था क्या बताओ मैम एक क्वेश्चन था जिसमें ना नो मैम मैम स्लाइम वाला था उसमें अपने ऑप्शन में किसी बच्चे का और वाला टिक सही हो रहा था और किसी का और वाला आंसर मुझे समझ नहीं आया लेकिन उसमें ना चेंज था उसको मैंने पढ़ा था तो फिर पता चल गया था आंसर उसका जो ठीक था लेकिन था एक जिसमें थोड़े से ना ऑप्शन चेंज थे सिर्फ उसके ऑप्शन चेंज थे बस बेटा ऑप्शन तो हर क्विज के शफल होके आपके पास आ सकते हैं ना यस मैम तो वो हमें पता चल गया था जब पढ़ा था ना तो उसका पता चल गया था चलो ठीक हो गया अच्छा तो और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी को लाइक के कोई चीज समझ नहीं आई हो मैम बस नेक्स्ट चला गया था वो समझ नहीं आ रही थी सबमिशन हुई है कि नहीं तो बाद में उसका बता दें उसमें एडवांटेजेस लिखा हुआ है अस्थमा का बीटा ब्लॉकर्स में लिखा हुआ अच्छा ठीक है वो मैं बता देती हूँ और बेटा इसके अलावा लास्ट क्विज में कोई ऐसा बच्चा हो जिसका अटेम्प्ट ना हुआ हो कोई ऐसा मसले मसाइल हो या नो मैम सब क्विज इजी था इजी लगा मैम वो तो इजी था तकरीबन पीछे से ज्यादा एमसीक्यू रिपीट हुए हुए थे क्या हुए हुए थे मैम तकरीबन जो लेक्चर स्कैन पे हमें आपने क्विज दिया था ना ज्यादा उसी में से आए थे तो इसलिए इजी लगा था हाफ उसमें से आपका बना था और हाफ जो था वो दूसरा बना था यस मैम इस बार भी ऐसे ही बनाइएगा ओह सजेशन मैम क्विज इजी बनाइए मैम आपको पता है कि हमारा ऑनलाइन होने है या कैंपस में बेटा अभी तक कोई फाइनल है मेरे पास तो मेल नहीं पूछी वरना तो रूमर्स तो उड़ रहे हैं तुम लोग वो प्रोटेस्ट यस मैम हम नहीं हमें टीचर तो मिल गई ऑनलाइन हो आज की क्लास तो आ गई है हमारे मैम टीचर आ गई प्रोटेस्ट में नजर तो आए मेरे बच्चे जरा मुझे ये प्रोटेस्ट में नजर तो आए मैं जरा इनको गिन गिन के पकड़ू नो मैम हम तो कह रहे हैं कि कैंपस में हो सारे सीनियर्स से वो कार्ड मैम थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए तो ज्यादा बेहतर वैसे तो कोई मसला नहीं होगा वो प्रोटेस्ट ऑनलाइन या इसका नहीं था वो था मैम आपके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स में ना टीचर्स ने बिल्कुल कोई असेसमेंट नहीं ली जिसकी वजह से कोई तैयारी नहीं है बिल्कुल भी यस मैम बेटा स्लो एंड स्टेडी विन द रेस देखो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं एकदम तो नहीं इतना बर्डन एक हफ्ते के अंदर आपके लिए 3 लेक्चर तैयार करना कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना यस मैम अभी 20 डेज है उसमें लेकिन सब्जेक्ट्स भी तो इस तरह है ना काफी सारे और लेक्चर्स भी 30-30 भी का तो नहीं मैं आपका इशू सॉल्व कर सकती मेरे सब्जेक्ट से जी मैम तो वही करूंगी ना देखो अब तुम लोगों ने घबराना नहीं है सिनेरियो में बहुत सी बातें आप लोगों को पता चल जाएंगी इट्स नॉट अ ब्लाइंड टाइप ऑफ अ सिनेरियो इट्स अ टाइप ऑफ अ इजी सिनेरियो सब में एंड पे कुछ में डिजीज भी पता चल जाएंगी कुछ के जो जेट और पेट क्वेश्चन है जैसे कि पेन हो रही है जैसे मैंने आपको बताया है और इतनी देर से है ये है वो बेटा आपको उससे आपको सिनेरियो भी पिक हो जाएगा आप बताओ इसमें कोई आपको मुश्किल लग रहा है नो मैम इस सब्जेक्ट में इतना सिनेरियो क्वेश्चंस में किसी को अगर नहीं लगा तो मैं उसको दोबारा से उसकी करवा देती हूँ प्रैक्टिस मैम रिकॉर्डिंग सुनेंगे उसके बाद नेम ऑफ सिनेरियो इट्स अ नेम ऑफ सिनेरियो बट डोंट फेयर फ्रॉम डिट्स के पता नहीं क्या तुम लोगों के ऊपर पहाड़ टूटने लगे ऐसे नहीं तुम लोगों ने फील करना ठीक है मैम जब हम एक सिनेरियो देंगे और उसके बाद रीजन बता देंगे कि लाइक सेकेंडरी हाइपरटेंशन है या फिर प्राइमरी है तो उसके बाद हमने कोई मेडिसिन तो नहीं बतानी
नहीं, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको सिनेरियो, ये तो पार्ट ए होगा ना, पार्ट बी आपसे पूछा जाएगा कि किस सिनेरियो में ये हो गया, ठीक है, उसको मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है लेसिनोप्रिल, उसके आप लोग मुझे बता दो साइड इफेक्ट, या आपसे पूछा जाएगा कि ये सिनेरियो है उसमें पेशेंट को मेडिकेट करो, तो आपने ट्रीटमेंट में सारी ड्रग्स लिखनी है, आपने ट्रीटमेंट में कैसे ड्रग्स, वही मैम ड्रग्स वही होंगी ना जो स्लाइड्स में है, उसके अलावा तो बेटा वही होंगी, उसके अलावा नहीं होगी। आपने कैसे ट्रीटमेंट में ड्रग लिखनी है, आपने लिखनी है बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर के आपने नीचे पहले ऊपर ग्रुप की हेडिंग देनी है, बीटा ब्लॉकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फिर उसके अंदर दो दो ड्रग्स एटलीस्ट लिखनी है जिसमें लेसिनोप्रिल कैप्टोप्रिल ये वो, ठीक है। ओके मैम, असाइनमेंट में भी हम लोग करेंगे या उसमें नहीं? असाइनमेंट्स में भी ऐसे ही करो, जो क्वेश्चन बना रहे हो उसका आंसर तो लिखो। समझ आ गई है? मैम आ गई है। मुश्किल लगा? मैम आ गई है समझ। अभी तक तो नहीं ना कोई चीज मुश्किल? नो मैम। चलो ठीक है, अगर किसी को कोई मसला होगा ना मुझे मेल करके बता दे, सही है? ओके मैम, थैंक यू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ मैम। वो स्लाइड नंबर 12 अल्लाह हाफिज़ मैम।